चाचा ये इसके पैसे कितने चाचा? अब्बा ये लख दे ना रे समय। क्यों लख दे दे सा? नहीं शौक दी गाल है ना। 30 ले 30। अब ये शौक दी गाल। शौक दी गाल। हां यो सान खड़ी करू। ने सान असल चीज आ भाई। सान ते को खड़ा है ना बड़ा। अब्बा यो पीछे कुराड़ो गया ना। क्या कुराड़ा? तू कुराड़ा ते को निकाल छोड़े क्या? ना पीछे आखिर मुकमदा है काम। मुकमदा है काम। हां ए दे वाला अच्छा है। यो मान रे ना बा। कुछ कम कर पैसे। ना सही। हां पैसा कम ना दीजिए आप। डॉक्टर इनको गाड़ी में बिठा। हां रोटी में ये लेके जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो नॉलेज ऑफ गोट फार्म यूट्यूब चैनल बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। आज मैं आपको बर्बरी ब्रीड की एक और स्ट्रेन दिखाने आया हूँ। ये रहीमयार खान की बर्बरी ब्रीड है और ये आप मेल ब्रीडर्स का देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर प्रिंट के अंदर है ये। ख़ास तौर पे रहीमयार खान पंजाब की ब्रीड है और ये इसी स्ट्रेन में पाई जाती है, इसी कलर में पाई जाती है। और मेरे साथ ये शौकीन भी हैं जिनके ये गोट हैं, तो उनसे भी पूछेंगे और इनकी गोट्स की डिटेल्स लेंगे, क्या मार्केट प्राइस है और क्या इसका वज़न होता है, कितने बच्चे देती हैं और क्या इसकी दूध की कैपेसिटी है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं भाई का इंट्रोडक्शन कराऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। चाचा जी क्या हाल है तोड़ा? अल्लाह दी रहमत है सही। अल्लाह दी रहमत है। तेरा नाम की है? मेरा हाजी इरशाद अहमद है। हाजी इरशाद अहमद। अच्छा ये हाजी इरशाद अहमद है, ये अभी रहीमयार खान से बिलोंग करते हैं, इनके पास। अच्छा केड़ी नस्ल है ये? बरी नस्ल है। ये बरी नस्ल है? जी हां बरी नस्ल है, असल बरी नस्ल है। अच्छा इनका वजन कितना होता है? वजन तो बड़े छोटे दा होता है ना, वजन तो इनका बहुत है ना। इनका इन छेले दा कितना होगा वजन? ये तो त्रय मन होगा। त्रय मन। अच्छा बता रहे हैं 3 मन इसका मेल का वजन है। इस मेल का वजन जो आप देख सकते हैं, ब्रीडर है इनका, इसका वजन 3 मन है। और ये बता रहे हैं रहीमयार खान की ब्रीड है। मलिक इरशाद तोड़ा नाम? मलिक इरशाद। इरशाद अहमद। मलिक, मलिक इरशाद अहमद इनका नाम है। अच्छा इनकी की मार्केट होंगी इन बकर दी? बड़े बकर दे 6 लाख है। 6 लाख? 6 लाख। 6 लाख तो गाड़ी इंदी है ना? बा गाड़ी मेरान गाड़ी इंदी है कर पियो गाड़ी 4 मिनट तो ले लाना दे सा बा। क्यों ना बा? ना शौक जी गाला है। बता रहे हैं कि 6 लाख इसकी मार्केट है। मैंने बोला 6 लाख में तो मेहरान गाड़ी आती है, आप उसमें घूमे फिरे मजे से। तो बोले नहीं मेहरान ऐसी मुझे 2 या 3 भी देंगे तो मैं ये बकरा नहीं दूंगा। अच्छा इनकी खासियत की है इन बकर दी? इनकी खासियत बच्चियां लिए ना। हाँ फल खासे नहीं दे। अच्छा हाँ ना इनमें शौक की है जिसने, इसमें शौक किस तरह देखा जाता है? सही है बड़ी दी वजह को होता है ना। ना की कन्न सुठा है, रंग हर चाय सुथरी है, कन्न सुथरा है, रंग सुथरा है, सब चीज सुथरी है। की है उनका पे? अच्छा ये बता रहे हैं कान अच्छे हैं, कलर अच्छे। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि किस तरह कान होने चाहिए, थोड़े समय डिफाइन करें। अच्छा चाचा सा दसो की होता है कन्न इन जा सुठा कन्न की है रिस्वा रंग की है रिस्वो कलर सुथरो हो हा ओ बकरी ये की दिया की ये उत्ते कर खड़े ही नहीं। अच्छा हाँ कलर कलर के बारे में? कलर यो गलमोरा। अच्छा गलमोरा। अच्छा बता रहे हैं कलर जो है इसका गलमोरा है, ये ज्यादा पसंद किया जाता है। और ये इसकी मार्केट प्राइस बता रहे हैं 6 लाख रुपए। ये इनके शौक की चीजें हैं, बाकी अमूमन भी पूछते हैं। अच्छा वैसे मार्केट प्राइस की होता है आम तौर से ये बरी नस्ल जाए बकरी जा बरबरी जा? असल दिया बा, बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। असल असल दी। अब फल होता है वो कितने का है? फल दा सभी लख लख दे लख लख। अच्छा बता रहे हैं लाख लाख रुपए के इसके बच्चे देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं इस बर्बरी ब्रीड के। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मैं चला कर। अच्छा चाचा इन थोड़ा हलाओ इन खोलो पवार पवार करो खोलो कटो। अच्छा व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ये बर्बरी ब्रीड है, रहीमयार खान वाली स्ट्रेन है। ये मलिक साहब है जिनका ये मेल गोट है ब्रीडर। ये आपको मैं दिखाता हुआ चलूं कि इसकी क्वालिटी इसकी क्लास आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा इतने ले आओ, इतने ले आओ चाचा, इतने ले आओ, इतने इतने इतने। ये आपके मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हुआ चलूं। इस ब्रीड में जो स्पेसिफिक स्ट्रेन होती है जो रहीमयार खान बेल्ट की, उसमें ये कलर पैटर्न मैटर करता है। ये देखें ब्लैक और ये इसमें फोन कलर जो है ब्राउनिश कलर है और इसमें ब्लैक कलर है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है। और इसके साथ साथ इसकी जो टांगे हैं इस पर भी ये ब्लैक ये जो पैचेस हैं ये होने चाहिए और इसी फॉर्म में होने जाते हैं। इस फॉर्म में होंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है और उसकी मार्केट प्राइस भी। और इसमें झालर भी आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत झालर भी है। और इसका जो कलर प्रिंट छोड़ो चाचा छोड़ो इन छोड़ो, इसका जो कलर प्रिंट है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा मैं चाचा से बोलूंगा कि हमें अपनी बकरियां, चाचा बकरियां भी दिखाओ, बकरियां दिखाओ असल बकरियां दिखाओ चलो आओ। अच्छा मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि अभी इनकी जो बकरियां हैं इनके पास जो फार्मिंग कर रहे हैं बर्बरी गोट की, बकरियां हमें दिखाएं, तो बकरियां भी हमें दिखाएं। चाचा इन्हें की उम्र होंगी? इतने आओ, अच्छा बकरियां चाहो
ਉੱਤੇ ਚਾਵੇ ਹੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਪਕੜੋ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਸੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਬੱਕਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਇਹਦੀ ਘਟ ਉਮਰ ਹੈ 2 3 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਸੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘਟੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦਿਖਾਓ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵਟੋ ਵਟ ਲਾ ਗਿੰਦ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ 4 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ 4 5 ਲੱਖ ਹਾਂ ਚਾਚਾ 4 5 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵਾ ਕੀ ਦੇਦਾ ਵੀਰਸ ਬਤਾ ਰਹੇ ਚਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਚਾਚਾ ਚਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸकी ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸकी ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਆਵਾ ਹੁਣ ਛੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਹਾਂ ਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਲੱਖ ਸੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸकी ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫਲ ਦੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾ ਵਾ ਵੀਰਸ ਦੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਐ ਹੋ ਬੱਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ ਚਾਚਾ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਪੱਠਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਇਹ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਦੇ ਲੱਖ ਜਿਆਦਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਿਕੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ ਬਤਾ ਰਹੇ 1.5 ਲੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਸਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਸ 2.5-3 ਸਾਲ ਬਸ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ 2.5 ਸੇ 3 ਸਾਲ ਇਸਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਵਾਰਸ ਅੱਛਾ ਇਸਕੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪੁੱਛਤਾ ਹਾਂ ਸੇ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਾ ਦੇਦਾ ਇਹ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸ਼ੈ ਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਅਸਲ ਜੇ ਅਸਲ ਜੇ ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵੀ नहीं दूंगा दोस्तों ये शौक की चीजें हैं कि अब इनसे पूछते हैं कि किड्स कौन से अच्छा फल देखा हो ऐसा फल चाहो फल चाहो फल चाहो फल चाहो अच्छा फलन दी मार्केट तो होंगी फलन दी मार्केट की आ फल भी छोटे छोटे लख लख दे दे व्यू लख लख दे दे व्यू तेरा जैकेट कितने का है इयो इथे आओ चाचा इथे आओ ये जैकेट है वो 4000 जो लेकिन बोले हम गिनते नहीं है तो आप खुद गिन ले फल फल चाहो फल चाहो लेली चावे लेला लेला चाहो चाहो व्यूअर्स मैं आपको एक राउंड ओवरव्यू दिखाता चलूं कि आप बकरियां देख सकते हैं ये ग्रेजिंग करते हुए अच्छा चाचा ये खीर घना दींदी है खीर घना दींदी खीर घना दींदी है आबा 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो अच्छा फल दवाओ खीर रो अच्छा ये बता रहे 1.5 से 2 किलो दूध देती है बच्चों को पिलाने के बावजूद भी ये दूध देती है अब मैं चाचा को यहाँ बुलाऊंगा और इनके जो बच्चे हुए हैं किड्स तो वो भी पूछते हैं तो व्यूअर्स एक किड हमारे सामने है चाचा एक किड चलो उम्र कितनी होंगी इन्हें दी उम्र तो ये 25-25 हज़ार या महीना उसे बस महीने का ना उसे महीने का उसे मुश्किल मार्केट इन्हें दी मार्केट घनी होसी ਇਹ ਅੱਬਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਸੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਹਵਾ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਤਾਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗੇ ਥੇ ਇਹਨੋਨੇ ਇਹ ਕਿਡ ਵੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਖਰਾਇਂਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਿਆ ਖਰਾਇਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਵਾਰ ਖੰਦਿਆ ਬੈਨ ਕਿ ਕਿਰ ਖੰਦਿਆ ਬੈਨ ਜੰਤਰ ਖੰਦਿਆਂ ਬਰਸੀਨ ਲੂਸਣ ਖੰਦਿਆਂ ਜੰਤਰ ਬਰਸੀਨ ਅੰਨ ਖੰਦਿਆਂ ਕਣੇ ਦਾਲਾ ਔਰ ਗੰਦਮ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਬਨਵਾਰ ਜੋ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये भी इनको जो डंडियां होती हैं वो भी खिलाते हैं अच्छा इनके अलावा तो सीधा केड़ा केड़ा शौक है बकरियों के अलावा मैं पूछा बकरियों के अलावा कौन से शौक है तो वो पूछते हैं थोड़ा तो केड़ा शौक है मंजी का शौक है सही अच्छा गवी का शौक है अच्छा बता रहे हैं भैंसों का है गायों का घोड़े का शौक है घोड़े का देखा रहो असा आ जाओ अच्छा व्यूअर्स ये बता रहे हैं शौक हैं आप इनके घोड़े भी चेक करते हैं आप इनके किड्स भी देख सकते हैं काफी अच्छे क्वालिटी के किड्स भी हुए हैं इनके पास जिस तरह से आपको ये फीमेल नजर आए चाचा इन्हें दी उम्र कितनी होंगी ये बच्ची ऐसी 2-3 महीने से कोले ये 2 से 2.5 महीने की है व्यूअर्स और ये भी माशाल्लाह काफी खूबसूरत खीर धर गया मैंने अच्छा इन्हें दी मार्केट कितनी होंगी सिंध लेके जाए गाल ही कर दखन चढ़ाई में बस लेके जाए नहीं इन्हें दी मार्केट कितनी ये मुक्त का चले जा चाचा इन्हें दी मार्केट कितनी होंगी अब इन्हें दी मार्केट मत करो सेम लाख दिए हां अच्छा अच्छा हमारे साथ सद्दाम भाई भी आए हैं तो ये सद्दाम भाई को एक तो शौक था ये बकरी परचेज का अब घोड़ा दे ले ली गाड़ी पूछ ले चाचा से फेस टू फेस बात कर लें अच्छा ये गिंदा पे है तो इन्होंने मार्केट कितने में दो दस हो इन्हें अरे तू मालिक मैं तो लाख था 10,000 नहीं 2,000 कुछ ख्याल तो करो क्या ख्याल है अबा
ਇਹ ਵਿਕ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਿਤਨੇ ਵਿਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵੀਰਸ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਲੱਖ ਦੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਦੇ 50 ਦੇਗੇ 50 ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਦੇ 40 50 ਦੇਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਨਾ ਬਾਦਾ 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ 2 2 1 ਲੱਖ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂ ਤਾਂ ਦੇਵਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦੂ ਦੇਵਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਵੀਰਸ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਿਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਤਾ ਰਹੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਬ ਇਨਕਾ ਘੋੜੋ ਕਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਆਈਏ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖੜਨ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਨ ਦੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਨਸਲ ਇਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਪਹਾੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਚਲਣ ਦਾ ਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲੇ ਕੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਕੇ ਲਈ अच्छा तो जनरली व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये बर्बरी ब्रीड की गोट्स पसंद आएगी मैं एक बार आपको फिर दिखाता चलूँ इनके पास 15 से 20 बर्बरी गोट्स हैं और इनो हक लो इनो हक लो परते बोलो भाई ना गोल वाड़ी उठो भाई ना काफी अच्छे प्रिंट वाले ये ले ले और ये इनका अपना पर्सनल स्टॉक है ये इन्होंने मार्केट प्राइस भी मैंने और इनका वजन बता रहे हैं कि 2.5 से 3 महीने तक इनका वजन होता है और जो ब्रीड है वो मैंने आपको दिखा दी तो अब मैं आपको किट्स भी दिखाई इतने अकलो कीमत कितनी है इतने अकलो और ये मैं आपको ब्रीड दिखा दूं कि ये अच्छा एक और बच्चा आया छोटा सा माशाल्लाह से भी बहुत खूबसूरत चाचा इनकी उम्र कितनी है ये बच्चा है सही बच्चा है अच्छा उम्र अंदाजन कितनी है ना वो महीने का कितना फिर तो महीना हो चलो महीना चाचा इसकी कीमत कितनी है सही बताओ देने वाली बात करो ये वो होने दो फिर आए हां कुछ तो छोटा है थोड़ी कम होगी उसके प्राइस हुन इवें सही गाल थिंदी बे या खिनना है हां ये गाल नहीं काई नहीं खिनना है ये गाल नहीं काई नहीं खिनना अच्छा ये आपको दिखा सकता हूं इनकी गोट्स एक बार फिर से थोड़ा सा आगे चलाना ये आप देख सकते हैं इनकी गोट्स मैं आपको एक-एक करके आगे करके दिखा भी देता हूं ताकि यहां मलिक साहब की गोट्स मैं आपको दिखा दूं ये रहीमयार खान मिसनाबाद के शहरी हैं और इनका शौक़ है असल में इनका शौक इनका जो छोटे बेटे हैं उनका है मलिक इमरान मेसन लेकिन इनके वालिद साहब बहुत पुराने शौकीन हैं तो ये देखो जो गाइडेंस है उनकी इसमें ये इन्होंने शौक किया है अच्छा चाचा तुसी की मैसेज दिंदा है पूरी दुनिया विच तुसी वीडियो देखनी पे जा जा। पूरी दुनिया तुनी वीडियो देखनी पे तो की मैसेज दिंदा है मैं इनसे मैसेज पूछता हूँ लास्ट क्या देने चाहेंगे तो फार्म बकरियन विच की मैसेज दिंदा दुनिया दे खुराक मेहनत करनी पी अच्छा। नहीं पल जाना सही खुराक बगैर तो बकरिया नहीं पल जाना पानी भरो वे तो व्यूअर्स ये इनका सेटअप है ये आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने फार्म बनाया हुआ है और यहाँ पर आप इनकी गोट्स सारी कलेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर है और किड्स भी हैं ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੋ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੋ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਬਗਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾੜੀ ਉਹ ਸਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸਲ ਭਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਭਲੀ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ੋਕ ਆ ਸੇ ਗੋਨਾ ਇਹ ਮਾਂਗੀ ਵਿਕਦੀ ਆ ਖੀਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫਲ ਸੋਨੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਿੰਧੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਥੋੜਾ ਬੁਧਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਲਿਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ تھے ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਥੋੜਾ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ये उम्र कितनी है मैं तो बच्चों हूं वाले बच्चों उम्र 80 के करीब है लेकिन ये बोले मैं भी क्या दे करीब 80 दे 80 दे ना भा ना 80 ना जुल्म करवा मैं 80 फिर 100 अल्लाह ये वा इनकी उम्र 60 50 80 80 के करीब है खुदा दा नाम लो मैं जवान हूं थोड़ी सीधी चाचा मजाक ना भा ना आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसकी बर्बरी सीधी बोलो सीधी की तू थोड़ी करी चाचा ना भा बाकी नहीं पसंद आई होगी मैं भी कड़ाल खुश सब दोस्त अल्लाह जी रहमत आवा चाचा उधर देखो शुक्रिया करो पाकिस्तान को पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं आप पूछो पूछो के बारे में बताओ
मेहनत ही किस्म के खुश मिजाज बंदे हैं तब तो रहते करें शाह साहब, और इनके लिए भी आप लोग दुआ करें, इनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। वैसे तो बोल रहे हैं अभी भी मैं बच्चा हूँ, लेकिन इनकी गोट्स के लिए भी। अच्छा कोई शौकीन आंदा तो उन्हें शौक कराइंदा नहीं कराइंदा तुसी? ना सिर शौक ना करें बाबा, शौक नहीं कराएंगे ना। अच्छा बोल रहे कोई शौकीन आएगा तो उसको शौक नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। लेकिन इनके बेटे हैं मलिक इमरान, वो आपको लाजमी शौक कराएंगे। जो शौकीन होंगे इंटरेस्टेड उनको ये लाजमी मलिक इमरान शौक कराएंगे। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।